अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सब लोगों के। आज हमने बनाई है ये बहुत ही मज़ेदार सी, जिसकी शक्ल फिश जैसी है, चिकन रोल। आए चलें इसको बनाने के लिए चलते हैं किचन में। तो एक बाउल में हमने सबसे पहले ले लिया है 2 कप मैदा, 2 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर। इस 2 कप मैदे में मैंने डाला है 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। अब इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 चमची नमक, 1/2 टीस्पून सॉल्ट हम ऐड कर रहे हैं, और इसमें मैं ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून शुगर, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून ईस्ट। चलें, ये हो गए हैं हमारे सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स में हमें ऐड करने हैं अपने वेट इंग्रेडिएंट्स, जो कि हैं हमारे पास फ़िलहाल एक अंडा और जो है बटर। पहले इसमें बटर ऐड कर लेते हैं, मगर बटर को ऐड करने से पहले अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं थोरली। चले जी, ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो गए हैं। अब इसमें मैं ऐड करने लगी हूँ अपना बटर, जो कि था हमारे पास 2 टेबल स्पून मेल्टेड बटर, और अब इसके अंदर हम डालेंगे 1 अंडा। ये ले जी, हमारा अंडा डल गया। इसमें मैं डाल रही हूँ बहुत थोड़ा सा दूध, तकरीबन 1/4 कप, 1/4 कप मैं इसमें दूध डाल रही हूँ जी। और अब इसको हम गूंद लेंगे, हाथ से गूंद सकते हैं आप लोग आराम से, इसको हाथ से गूंद लें, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें अगर पानी की ज़रूरत हुई तो पानी भी डाल देंगे। बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालिएगा, ऐसा ना हो कि आपका बैटर बहुत पतला हो जाए। पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। दूध हम थोड़ा सा ऐड कर चुके हैं, और अब इसमें थोड़े से पानी की ज़रूरत लग रही है। ऑलरेडी हमारे बैटर इंग्रीडियंट्स में इसमें एग और बटर जा चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा पानी हम नहीं ऐड करेंगे। और ये देखें, हमारा बैटर अच्छे से तैयार हो चुका है, ना ही ये स्टिकी है और ना ही ये बहुत सख्त है, बहुत ही प्लायबल है। अब हम अपने इस डो को जो है ये एक एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, ठीक है। इसको हम ढक के रख देते हैं तकरीबन 2 घंटे के लिए, नहीं तो कम से कम इतनी देर के लिए कि ये राइज हो जाए। अब हम अपनी फ़िलिंग की तरफ चलते हैं और देखते हैं हमें फ़िलिंग के लिए क्या चाहिए। एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लीजिए फ़िलिंग के लिए, और उसको अच्छी तरह चॉप कर लीजिए। और साथ ही हमने लिए हैं 3 गार्लिक क्लव्स, और उन तीनों को भी हम लोग अच्छी तरह चॉप कर लेंगे बारीक बारीक। हमारे पास है 400 ग्राम मिंस्ड चिकन मीट, उसके हिसाब से हमारे ये इंग्रेडिएंट्स हैं सारे, और हमारी एक अच्छी सी चिकन ब्रेड बन जाएगी, ठीक है। चलें जी, इनको अपने गार्लिक को हम लोग बिल्कुल बारीक बारीक कर लेते हैं चॉप। अब हम चलते हैं अपने चूल्हे की तरफ और अपना सॉस पैन लेंगे। उसमें हम डालेंगे तकरीबन जो है वो 3 टेबल स्पून बटर, और इसमें डाल लीजिए आप लोग अपना ओनियंस, चॉप्ड ओनियंस एंड गार्लिक। अब इनको पकाते हैं यहाँ तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, और जब ये एरोमेटिक और गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम लोग अपनी बाकी चीज़ें डालेंगे। चलिए ठीक, मिक्स करते रहें। अच्छी तरह इसको हम मिक्स कर रहे हैं, हमारी ओनियंस होने लगी हैं और अच्छी सी इसमें बहुत अच्छी सी गार्लिक की खुशबू आना शुरू हो गई है। बस थोड़ी ही देर में ये बिल्कुल ही तैयार हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल ही डन हो जाएंगे। इसमें हमने डाला है तकरीबन 1 टीस्पून इटालियन हर्ब्स, मिक्स्ड हर्ब होते हैं ये सारे, वो डालनी है। और अब इसमें हमने अपना ऐड कर लिया है 400 ग्राम मिंस्ड मीट। चलिए जी, इसको अच्छी तरह भून लेते हैं, अच्छी तरह मिक्स कर लें, जुड़ा ना रहे। सोया सॉस 1 टेबल स्पून डाला है, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें। काली मिर्च डाल लें हसबे जायका, और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें चिकन क्यूब ऐड करेंगे, चिकन स्टॉक इसमें आएगा हमारा, वो हमने इसमें ऐड कर लिया। और इसको अच्छी तरह मिला लें। अच्छी तरह हम लोग अपना मिंस मीट को मिला रहे हैं, और इसको फिर हम थोड़ी देर के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये अच्छी तरह पक जाए जी। ये तकरीबन हमारा तैयार हो चुका है। इसमें अब मैं डाल रही हूँ 1/2 कप शिमला मिर्च, कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम। थोड़ी देर इसको पकाएंगे 5 से 10 मिनट, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे
टोमेटो पेस्ट। टोमेटो पेस्ट तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून इसमें डाल रही हूँ, और टोमेटो पेस्ट ऐड होने के बाद इन दी एंड मैं इसमें 2 टेबल स्पून ही क्रीम चीज़ ऐड कर दूँगी और हमारा बैटर तैयार हो जाएगा। अब हम अपनी ब्रेड की तरफ आते हैं, जो कि देखते हैं कि ये देखें राइज हो चुकी है। अपने फ्लावर को भी डस्ट कर लें, ज़रा इस पर अच्छी सी मुखियाँ मारें, और अब हम अपनी ब्रेड को फ्लैट करते हैं, रोल आउट करें इसको अच्छी तरह। पहले इसमें इसको मुखियाँ मार के इसके एयर बबल्स को ख़त्म करेंगे, और अब हम अपनी ब्रेड को रोल आउट करेंगे। चलें जी, ले आएँ अपनी रोलिंग पिन और दिखाएं अपना जौहर। हम लोगों को ये ब्रेड लेंथ वाइज चाहिए। वैसे तो आप इसको इन जनरल किसी भी शेप में बना सकते हैं, मैंने एक अच्छी सी फिश से शेप बनाई है, तो ये उस तरह ब्रेडेड हो जाएगी। आप लोग इसको बंस बना सकते हैं, आप लोग किसी भी तरह इसको बना सकते हैं। इसमें डालेंगे अब हम अपनी फिलिंग। चलिए जी, इसमें हम डाल रहे हैं अपनी सारी फिलिंग। उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे ऑलिव्स, मज़ेदार से ऑलिव्स, और उसके बाद हम इस पर डालेंगे चीज़, मोज़रेला चीज़। बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप लोग डालना चाहते हैं, चीज़ लवर है तो डालें, और अगर आप लोग नहीं डालना चाहते तो ये एज इट इज़ भी बहुत अच्छा लगेगा। अपने ऑलिव्स डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डालेंगे, और उसके बाद अपनी हम ब्रेड बना देंगे चीज़ की, चिकन की सॉरी। मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ चीज़, श्रेडेड मोज़रेला चीज़, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट ब्रेडिंग। ब्रेड बनाने में ही इतना मज़ा आ रहा था, और जैसे जैसे बनाती जा रही थी उसकी इतनी खूबसूरत सी शेप आती जा रही थी। ये देखें हमारी ब्रेड तैयार है, और हमारी शेप भी तैयार हो चुकी है अच्छी तरह। इसको हम लोग रख लेते हैं अपनी बेकिंग ट्रे के ऊपर। ये देखें इसके ऊपर जो है मैं एग वॉश करूँगी, और एग वॉश करने के बाद इसके ऊपर मैं तेल डाल दूँगी। आप लोग तेल डालना चाहें तेल डाल लें, ब्लैक सीड्स डालना चाहें, जो मर्जी है आपकी रख डालना चाहें। इसकी आई की जगह मैंने ऑलिव ऐड किया, ऑलिव लगाया है, ज़रूरी नहीं कि आप लगाएं, इट्स जस्ट फॉर फन। एग वॉश कर लिया है, और उसके बाद अब मैं इसके ऊपर डालूँगी तिल। लग रही है ना इतनी अच्छी, और बेक होने के बाद लगेगी और भी अच्छी, और टेस्ट में और भी। मैं इसको रख रही हूँ ओवन में, प्री हीटेड ओवन में एट 200 डिग्री अंटिल वेल डन। एंड लुक एट दिस ब्यूटी। आई होप यू लाइक माई वीडियो, एंड इफ यू हैव एंजॉयड इट प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।